2020 का पहला सफर एंड वी आर हियर इन द हार्ट ऑफ इंडोनेशिया बाली। लेकिन यहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं था। लाइफ में थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और उनकी बहनों, और क्या हाल है। सो फाइनली 3 महीने बाद कैमरे के सामने वापसी हुई है। लेकिन अगर आप लोग ये समझ रहे हैं कि कोई ट्रैवल लॉग है या मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होगी, बिकॉज दिस वीडियो इज टोटली अबाउट माई लाइफ चेंजिंग स्टोरी। सो दिस स्टोरी इज अबाउट मी एंड माई फादर, और हम इस स्टोरी को ईजिली 2 पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हैं। एक पार्ट जो कि फर्स्ट पार्ट जो कि मेरी लाइफ में पिछले 3 महीने से हो रहा है, और सेकेंड पार्ट जो कि कल से शुरू होने वाला है। अगर आपको मेरा फर्स्ट कार ब्लॉग याद हो तो मैंने उसमें बताया था कि व्हाट माय फादर मींस टू मी, और उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं उसको शायद कभी एक्सप्लेन ना कर सकूं या उनको कभी वापस ना दे सकूं। लेकिन लकीली लाइफ ने मुझे एक चांस दिया है। सो 5 years अगो माय फादर वॉज डायग्नोज विद अ लिवर सिरोसिस डिजीज, जिसके अंदर लिवर थोड़ा सा श्रिंक कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक डॉक्टर और एक हॉस्पिटल है जो कि लिवर ट्रांसप्लांट करते हैं। वेल माई फादर वॉज ऑन मेडिकेशन फॉर लास्ट 5 years, लेकिन जब लास्ट ईद पे मेरे फादर की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर्स मेड इट क्लियर कि अब ट्रांसप्लांट लाजमी करना पड़ेगा। जिनको नहीं पता मैं उनको बताना चाहता हूँ कि लिवर ट्रांसप्लांट में जो है ना, यू नीड अ डोनर जो कि अपना लिवर डोनेट कर सके, एंड इट ग्रोज बैक इन 3 to 4 months डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन। लेकिन क्वेश्चन ये था कि डोनेट कौन करेगा, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरी दुनिया में रूल है कि कोई भी डोनेट कर सकता है पेशेंट को अपना लिवर, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ जो है ना ब्लड रिलेटिव डोनेट कर सकते हैं। सो आइदर इट वॉज मी और माई सिस्टर। और इस मामले में जो है ना, आपका भाई थोड़ा सा लालची था, क्योंकि मुझे हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला था। और अब जब मौका मिला है तो मुझे ये है कि मैं शायद उनके लिए ज़िंदगी में कोई बड़ा घर, बहुत ज़्यादा पैसे या गाड़ी ना खरीद सकूं, लेकिन मुझे अंदर से सेटिस्फेक्शन रहेगी कि मैंने उनको एक नई ज़िंदगी दी है या उनकी ज़िंदगी बचाई है, जो कि बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। और ये इतना आसान भी नहीं था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि जब मेरे टेस्ट हुए, और ये कोई छोटे मोटे या थोड़े से टेस्ट नहीं थे, इट वॉज 50+ ब्लड टेस्ट, सिटी स्कैन, MRI एंड अल्ट्रासाउंड, और सारे तहस नहस। क्यों? क्योंकि भाई का वेट 93 था, एंड डॉक्टर्स वर लाइक ट्रांसप्लांट छोड़ो, पहले अपने आप को तो देखो, एंड बाय दैट दे मीन कि अपने आप को फिट करो एंड वेट लॉस करना पड़ेगा। लेकिन ये वेट लॉस होगा कैसे, क्योंकि हमें तो बचपन से खाने की आदत है और मीठा मैं छोड़ नहीं सकता। लेकिन इक्वेशन बहुत सिंपल थी कि या तो मैं 3 महीने खाना खा लूँ या फिर अपने बाप को बचा लूँ। तो ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होता है। पहले उन्होंने बोला कि मुझे 5 kg लूज़ करना पड़ेगा, एंड आई स्टार्टेड जिम। क्योंकि उन्होंने मुझे शुरू में 5 kg लूज़ करने को बोला था, तो मैंने जिम ज्वाइन किया। जिम में मैंने 1 महीने के अंदर 5 kg लूज़ किया, एंड आई वेंट बैक टू इस्लामाबाद। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली ऊपर से मेरा वेट कम हुआ, लेकिन अंदर से जो लिवर का फैट था उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो दे आस्क्ड मी टू स्टार्ट रनिंग, एंड ट्रस्ट मी डेट वॉज द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ। क्योंकि जब मैंने रनिंग स्टार्ट की तो मुझे मज़ा आना शुरू हुआ, और जहाँ पर मुझे 2-3 kg लूज़ करने थे, मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 10 kg लूज़ कर गया। मैंने स्टार्ट 93 kg से किया था, एंड आई एंडेड एट 80 kg। I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... ट्रस्ट मी, जो लुक वाइज भी आपको फील हो रहा होगा कि मैं थाईलैंड में मेरा फेस कितना भारी था और सारी चीज़ें, तो जो मुझे फील होना शुरू हुआ, आई वॉज फीलिंग एक्टिव, आई वॉज फीलिंग हैप्पी। और जब लोग आपकी तारीफ करते हैं ना कि यार ये तुम ही हो, तो फिर काफ़ी फर्क पड़ता है, और आपको जो है ना एनर्जी मिलती है, आप मोटिवेट होते हो। आई वॉज प्रिटी श्योर कि मैं जब इस्लामाबाद आऊँगा मेरे सारे टेस्ट होंगे और वो क्लियर होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरे सारे टेस्ट हुए, जो कि ऑलमोस्ट 10 दिन लगे क्लियर करने के लिए, दे वर ऑल प्रिटी क्लियर। उसके बाद मेरे फादर आए, अब जब फादर आए तो उनके सारे टेस्ट हुए, वो सारे क्लियर हुए। उसके बाद
क्योंकि पाकिस्तान में जो है ना कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। तो सारे टेस्ट क्लियर करने के बाद सबसे मेन चीज़ थी नादरा से अप्रूवल लेना कि हाँ भाई बेटा ही दे रहा है, ब्लड रिलेटिव ही दे रहा है। उसमें एक हफ्ता लगा। सो इट्स बीन 23 या 24 डेज आई एम इन इस्लामाबाद और मैं अभी पेमेंट करने जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट की, और हमें कल एडमिट होना है, परसों मेरा ट्रांसप्लांट है। चांसेस आर प्रिटी गुड, लेकिन ऑब्वियसली रिस्क होता है इतने बड़े उसमें। आई डोंट इवन नो कि मैं ये वीडियो एडिट करूँगा नहीं करूँगा, ये रिलीज करूँगा नहीं करूँगा, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट एज अ मेमोरी एंड इट विल कीप रिमाइंडिंग मी कि मैंने अपनी फैमिली, अपने फादर के लिए कुछ किया है और आगे भी करना है, सिर्फ इस पर नहीं रुकना। मुझसे जो मिलता है ना वो पूछता है कि कैसा फील कर रहे हो, डर तो नहीं लग रहा, क्योंकि इट्स अ 12-hour लॉन्ग ट्रांसप्लांट सर्जरी है 12 आवर्स की, और उसके बाद 2-3 दिन ICU में रखते हैं। तो मैं उनको हमेशा ये बताता हूँ कि मैंने इस ट्रांसप्लांट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन जब से हमें ट्रांसप्लांट की डेट मिली है ना, तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नींद नहीं आती है, तो मुझे डर लगता है, और ऑब्वियसली हर इंसान को डर लगता होगा। और सबसे मेन चीज़ यार ये है कि मेरे दोस्त नहीं है मेरे साथ, क्योंकि अगर ये कराची के अंदर होता तो ऑब्वियसली दोस्त होते साथ, वो एक बड़ा फैक्टर होता है। कज़न्स ऑब्वियसली हैं, लेकिन दोस्तों की उन्होंने बात अलग होती है, तो ये भी एक मेन कंसर्न है। दूसरा ये कि मैं अपना वेडिंग सीज़न नहीं कर पाऊँगा दिसंबर का, क्योंकि 3 महीने का बेड रेस्ट है। आई कॉन्ट ड्राइव, आई कॉन्ट शूट, मैं कुछ हैवी नहीं उठा सकता, तो थोड़ी सी इसमें कहते हैं ख्याल रखना पड़ता है। तो आई होप सो के थिंग्स गोस वेल और एंड आई एम गोना रन टुडे, एक लास्ट रन, क्योंकि उसके बाद मैं 3 महीने तक नहीं भाग सकूँगा। सो आई एम गोना रन टुडे। सो फाइनली ये दिन आ ही गया है एंड इट्स फाइनली टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। आज एडमिशन है और कल जो है ना ट्रांसप्लांट होगा। बालों का सीन यार ये है कि मेडिकेशन पे था मैं इस ट्रांसप्लांट की वजह से काफ़ी टाइम से, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, गिर रहे थे, तो मैंने सोचा कि शायद यही सोल्यूशन है। वक्त किसी के लिए रुकता नहीं है, आगे बढ़ता रहता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज ऐसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मैं बेहद खुश हूँ। इस वजह से नहीं कि मैं ज़िंदा हूँ और रिकवर करके अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वापस आ रहा हूँ, बल्कि इस वजह से कि मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया था और अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपने अब्बू और अपनी फैमिली के काम आ सकूँ और उनकी लंबी उम्र का ज़रिया बन सकूँ। मेरा हमेशा से मानना ये है कि अगर आपकी लाइफ में कभी भी कोई इम्तिहान आते हैं या कोई मुश्किलें आती हैं, तो नेवर गिव अप, बिकॉज इन द एंड एवरीथिंग इज़ वर्थ द फाइट। हमारे यहाँ ट्रांसप्लांट होने के लिए वेट किया जा रहा था कि मसले आ रहे हैं, होना है, लेकिन फिर क्या हुआ, ट्रांसप्लांट हो भी गया और अब 4 महीने हो चुके हैं, वी बोथ आर फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सो नेवर गिव अप। अगर इस पूरी जर्नी और प्रोसेस ने मुझे कुछ नहीं सिखाया है, तो एटलीस्ट एक चीज़ तो सिखाई है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अल्लाह ताला पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।